अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल शाइनिंग स्टार्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग सेकेंड लास्ट चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। आज की वीडियो में हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चैप्टर टोटली मेमोराइजिंग है, इसमें आपने रट्टा ही लगाना है और इसको क्रैम करना है। अब इसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं हमने, बट ये कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, कुछ कॉन्सेप्चुअल है। लाइक आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होती है, लाइक आपको फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में पता होना चाहिए, रीजन स्फीयर के पता होना चाहिए। तो ये कुछ है, क्रैमिंग भी है और कुछ कॉन्सेप्चुअल भी है। बट ये जो लास्ट के चैप्टर्स है ना, इसकी आपने बुक की रीडिंग करनी है थ्रू आउट, एंड इससे आपके ईजिली एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। एमसीक्यू नंबर 1 है द ग्रीन हाउस गैस इज। देखें, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसका एक एडवर्स इम्पैक्ट होता है हमारी एग्रीकल्चर पे, सी लेवल्स पे। क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम कहते हैं कि जो टेम्परेचर ऑफ एटमोसफेयर इंक्रीज हो रहा है ना, ये है ग्लोबल वार्मिंग, और ये हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द अर्थ सरफेस टेम्परेचर। लाइक यही कार्बन डाइऑक्साइड है जो अलाउ करती है सन रेज को कि पास हो सके थ्रू द एटमोसफेयर, बट प्रिवेंट द लॉन्ग वेव्स रेडिएशन टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ। इसको हम कहते हैं ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और मेन गैसेज जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इसके लिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ये होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब एमसीक्यू नंबर 2 है द पीएच ऑफ एसिड रेन इज। तो एसिड रेन की पीएच बतानी है। देखें, पीएच नॉर्मल भी होती है और एसिड रेन की भी होती है। यहाँ पे आंसर होगा ब्लो 5, क्योंकि एसिड रेन का आपने आपके पास एक टॉपिक दिया हुआ है और उसमें बताया हुआ है कि एसिड रेन का मतलब ये होता है कि वो रेनफॉल जिसमें एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो ये जो एसिड है ये रेनफॉल में होंगे। इसकी पीएच होती है, जो नॉर्मल पीएच है रेनफॉल की, वो बिटवीन 6 to 6.5 होती है, बट जो एसिड रेन की पीएच होती है वो ब्लो 5 होती है, डिपेंड करती है कंसेंट्रेशन ऑफ एसिडिक कंपाउंड्स पे। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ब्लो 5। एमसीक्यू नंबर 3 है, ओजोन डिप्लीशन इन अपर एटमॉस्फेयर इज मेनली कॉज्ड बाय। सो ये होती है ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पता होना चाहिए ओजोन क्या है, कि ओजोन एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एक प्रोटेक्टिव कोट है फॉर लाइफ ऑन अर्थ। इसकी वजह से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं ये फिल्टर आउट होते हैं, सही है। अब डिप्लीशन कैसे होती है इसकी, तो ये जो CFC है ना, ये वाइडली यूज होता है रेफ्रिजरेंट में, इंडस्ट्रियल फॉर्मिंग वगैरह में। तो ये जो गैस है ना, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये रिएक्ट करती है 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन से। इसकी वजह से डिप्लीशन हो जाती है ओजोन की, और देन पर इफेक्ट ये पड़ता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पेनिट्रेट करना शुरू कर जाती हैं और अर्थ सरफेस तक पहुंच जाती हैं। इसकी वजह से स्किन कैंसर कॉज होता है और लाइक अदर लीथल इफेक्ट्स भी होता है लिविंग ऑर्गेनाइजम्स पे। सो दैट्स वाई ये इफेक्ट होता है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यू नंबर 4 है, द रीजन ऑफ स्फीयर विच एक्सटेंड फ्रॉम 11 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर फ्रॉम आर अर्थ इज नोन एज। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये लेयर्स बताई हुई है। ट्रोपोस्फीयर एक लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर है जो एक्सटेंड करती है एल्टीट्यूड ऑफ 11 किलोमीटर। यहाँ पे 50 to 85 किलोमीटर मेसोस्फीयर का बताया हुआ है, एक्सटेंडिंग अप टू 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फीयर का बताया हुआ है, एंड थर्मोस्फीयर का 85 to 500 किलोमीटर। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। क्रैमिंग मैंने आपको कहा था कि इसमें क्रैमिंग है, और वो याद रखना है आपने कि कौन सा लाइक रेंजेस क्या हैं, एक्सटेंड कितनी कर रही है अर्थ सर्फेस पे लेयर। में रिटन है 11 to 50 किलोमीटर। करेक्ट ऑप्शन होगा स्ट्रेटोस्फीयर। अब एमसीक्यू नंबर 5 है, द इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इज प्राइमरी एट्रीब्यूटेड टू। तो मैंने अभी आपको कहा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ही होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है। करेक्ट ऑप्शन है सी। एमसीक्यू नंबर 6 है, द प्राइमरी गोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इज। ग्रीन केमिस्ट्री का आपके पास यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, सॉरी। ये डिज़ाइन और डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस होती है जो मिनिमाइज करती है, एलिमिनेट करती है यूज़ ऑफ हैजार्डस केमिकल्स। सो इसको हम कहते हैं ग्रीन केमिस्ट्री, और इसका जो एम है वो ये है कि क्रिएट कर सके सेफर केमिकल्स ऑन एंड प्रोसेस टू मेक द एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी, डेवलपिंग एनवायरनमेंटली फ्रेंडली केमिकल्स। एमसीक्यू नंबर 8 है, स्मोक इज वर्ड यूज फॉर द कम्बिनेशन ऑफ। सो स्मोक एक वर्ड है जो यूज हो रहा है कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा बी।
एमसीक्यू नंबर 8 है, द कैटलिस्ट यूज इन ऑटोमोबाइल कैटलाइटिक कन्वर्टर इज अ मिक्सचर ऑफ। ये आपकी समरी में दिया हुआ है और आपने समरी ज़रूर रीड आउट करनी है, इससे आपके एमसीक्यूज बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। ये जो कैटलाइटिक कन्वर्टर होता है ना, ये एक डिवाइस है जो ऑटोमोबाइल में यूज होती है फॉर द कन्वर्जन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंटू नॉन हार्मफुल या लाइक हार्मलेस केमिकल्स। तो इसको हम कहते हैं कि ये है एक कैटलाइटिक कन्वर्टर। उसमें कुछ कुछ मेटल्स यूज होते हैं एज अ कैटलिस्ट, उन मेटल्स का नाम होता है प्लेटिनम और प्लेडियम। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ए। एमसीक्यू नंबर 9 है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। सो यहाँ पे कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे हम रह रहे होते हैं, मेसोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। बट जहाँ पे वो रीजन जहाँ पे ह्यूमन रह रहे हैं, वो सेगमेंट जहाँ पे ह्यूमन रह रहे हैं, वो है ट्रोपोस्फेयर, और ओजोन लेयर भी वहीं प्रेजेंट होती है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए। अब एमसीक्यू नंबर 10 है और ये लास्ट एमसीक्यू है, द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इज। सो ये मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। आई होप आपको एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। ये एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस आपके ऐसे ही कवर हो सकते हैं जब आप बुक की रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो आपने बुक की रीडिंग करनी है, क्रैमिंग का यही मतलब होता है कि आपने मेमोराइज करना है कि डिप्लीशन ओजोन लेयर की कैसे होती है, इसका इफेक्ट क्या होता है, एसिड रेन क्या है, इसका इफेक्ट क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, कुछ कौन सी गैसेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग क्यों इसको कहते हैं, दिया हुआ है 4 फंडामेंटल मेथड्स फॉर द टेस्टिंग ऑफ वेस्ट वाटर। सो ये आपको पता होने चाहिए, नेम ऑफ 4 सेगमेंट्स आपको पता होने चाहिए जिसमें हम रह रहे हैं वो पता होने चाहिए, कॉजेज पता होने चाहिए, इंडस्ट्रियल स्मोक। तो ये सब कुछ है जो आपने क्रैम करना है। सो दैट सेट, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।